दोस्तों, काम वासना को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा गया है? काम वासना को एक ऐसा नशा बताया गया है जो किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा आकर्षक होता है। काम वासना के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े राजा और महाराजा बर्बाद हो गए। यह एक ऐसी लत है जिसका कोई जवाब नहीं है। भले ही व्यक्ति कितनी कसमें खाए, लेकिन जब यह काम वासना उसके सर चढ़ जाती है तो वो सारे वादे, सारी कसमें भूल जाता है और वो ऐसे हो जाती हैं जैसे उसने वो कसमें एक सपने में खाई हों। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में काम वासना के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक में आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि काम वासना के समान कोई और दुष्कर रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ी इस भौतिक संसार में कोई सुख देने वाली वस्तु नहीं। आचार्य चाणक्य एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि काम वासना में लिप्त मनुष्य समस्त उत्साह से वंचित हो जाता है। ओजहीन और उत्साह रहित ऐसा मनुष्य ही अपने ऊपर बोझ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो हर समय केवल काम वासना के बारे में ही सोचता रहता है, वह अपने काम के ऊपर एकचित नहीं हो पाता। ऐसा मनुष्य लोक और परलोक दोनों के सुखों से वंचित रहता है। अतः काम वासना को एक महापाप कहा गया है जो व्यक्ति का संपूर्ण यश और वैभव मिट्टी में मिला देता है। काम वासना बुरा नहीं है, अगर इसे विधि पूर्वक संतान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह ठीक है, लेकिन अगर काम वासना का इस्तेमाल हम एक नशे की तरह करेंगे तो यह बेहद ही खतरनाक हो सकता है। काम वासना में लिप्त रहने वाले मनुष्य का वीर नष्ट हो जाता है। वीर से ही मनुष्य में सारा तेज, बल, पवित्रता, सत्यता और उत्साह आता है। वीर से रहित होने वाले व्यक्ति में निराशा, कमजोरी और आलस्य का जन्म होता है। आपने भी देखा होगा कि जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त ज्यादा होते हैं वो आलसी हो जाते हैं और हमेशा चिंतित प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति बचपन से ही अपना वीर नष्ट करते हैं उन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। जो हमेशा काम वासना में लिप्त रहते हैं उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तों का केवल एक ही आधार होता है और वो है काम वासना। लेकिन जैसे ही सामने वाला व्यक्ति उनकी काम वासना पूरी नहीं करता, वे उससे दूरी बना लेते हैं और किसी नए व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं। दूसरे व्यक्ति से भी जब उनकी काम वासना पूरी नहीं होती तो वे तीसरे की तलाश में चले जाते हैं और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम से ही व्यक्ति के पास को एक स्थायी परिवार नहीं होता और अंततः वह व्यक्ति अकेला रह जाता है। मैंने एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने इसी तरीके से कई सारे बच्चे पैदा किए, लेकिन जब वो मरा तो बिल्कुल अकेला था। दोस्तों, आपने भी कई ऐसे पुरुषों को देखा होगा जो अत्यधिक काम वासना के कारण स्त्री को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जब वह स्त्री ऐसा नहीं करती तो पुरुष अपनी बात मनवाने के लिए हैवान तक बन जाते हैं। वो महिला के साथ मारपीट करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं और महिला को शारीरिक चोटें पहुंचाते हैं। इसके साथ ही वो महिला एक मानसिक तनाव में आ जाती है। दोस्तों, ऐसे संबंध को क्या अर्थ है जिसके लिए कि किसी को परेशान या तंग किया जाए या संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए। वैसे कुछ महिलाएं या फिर कुछ पुरुष अत्यधिक काम वासना के चलते पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध बनाते हैं। ऐसा करके वे कुछ पलों का आनंद तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इससे उनके वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा वो ये भूल जाते हैं। साथ ही वो ये भी भूल जाते हैं कि किसी पराई महिला से संबंध बनाने वाला नरक में क्या सजा पाता है। काम वासना से तृप्ति संभव है या नहीं, यह जानने के लिए इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा जानते हैं। ययाति ग्रंथ में कामुकता और वृद्धावस्था में भोग विलास के बारे में उल्लेख मिलता है। दरअसल राजा ययाति एक सहस्त्र वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली। यहाँ तक कि जब गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वृद्ध होने का श्राप दिया तो वे अपने सबसे छोटे बेटे की जवानी लेकर और कई वर्षों तक काम वासना में लिप्त रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम वासना से तृप्ति नहीं मिली। इसके बाद उन्हें खुद से ही घृणा होने लगी और राजा ययाति ने ऐसा होने पर अपने पुत्र का यौवन वापस कर दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया। राजा ययाति ने फिर एक बहुत सुंदर बात कही, हम भोग नहीं भोगते बल्कि भोग हमें भोगते हैं। आसान भाषा में समझें तो राजा ने 30 सालों तक काम वासना में लिप्त रहकर समय गंवा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं मिली। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारी इच्छाओं के आगे हम समाप्त हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी काम वासना मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती और ऐसे में हम जीवन में बिना कुछ किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अगर हमारे शरीर के किसी अंग को इतना महत्व दिया जाना चाहिए तो वो हमारा जननांग नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करता है। यही दिमाग अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हमें सफलता दिलाता है, जबकि इसके उलट अगर कामुकता जैसी लत में इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें कमज़ोर बनाता है और फिर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती।